श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले में मथुरा की एक अदालत ने सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के लिए ग्रीष्म अवकाश के बाद 13 जुलाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन और शाही ईदगाह के वकील नीरज शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है। जो केस मैंने सबसे पहले दाखिल किया था 25 सितंबर 2020 को, किन्हीं वजहों से अटका रहा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा जो 1 मई को दिया गया था, केस पुनर्स्थापित हुआ और केस की सुनवाई प्रारंभ हो गई। उस केस में विपक्षी गणों ने एक दरख्वास्त दिया है कि केस मेंटेनेबल नहीं है, यानी मुस्लिम पक्ष ने। उस पर कोर्ट ने हमसे रिप्लाई मांगा है और 12 जुलाई की डेट निश्चित की है। इसके साथ साथ एक दावा है 620/2022, उसमें एक दरख्वास्त दी है कि सारे दावा क्लब कर दिए जाएं, क्योंकि जो विभिन्न दावे चल रहे हैं सब में डिफरेंट प्लीडिंग है और डिफरेंट आर्डर्स हो रहे हैं, तो कंट्राडिक्टरी आर्डर्स ना पास हों सबको क्लब कर दिया जाए। उस पर भी कोर्ट ने अब विपक्षी गणों से ऑब्जेक्शन मांगा है और उसमें 12 जुलाई की डेट निश्चित है, यानी अब जन्मभूमि के सारे मामलों में केस सुनवाई 12 जुलाई को। सर, देखा जा रहा है कि प्रतिवादी लगातार लिमिटेशन एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कहना है इस पूरे मामले? देखिए, इसका जो भी जवाब है जब मैं दूंगा तब बताऊंगा, पर इतना बता सकता हूं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और लिमिटेशन एक्ट कहीं से लागू नहीं होता और न केस दोनों किसी एक्ट से बाधित है। आज 10 मुकदमे थे जो ऑनरेबल कोर्ट ने लगवाए थे सुनवाई में, और ज़्यादातर मुकदमों में हमारी जो एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, ये कहते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन मूव की थी कि जो दावे दाखिल किए गए हैं कानून में ऐसे दावे दाखिल नहीं किए जा सकते जन्मभूमि के संबंध जो दिए गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने इस इशू को मेरिट पर तय किया। अपोजिट पार्टी एक कंटेस्ट कर रही थी कि सबसे पहले अमीन कमीशन जारी किया जाना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी बात को नकारते हुए ये तय किया कि 7/11 पर सबसे पहले सुनवाई की जाएगी। उसी की लाइट में आज 7/11 पर आर्गूमेंट हुए, क्योंकि ज़्यादातर मुकदमों में केसेस लगभग एक जैसा केस है, सबकी स्टैंडिंग एक जैसी है, ग्राउंड्स लगभग एक जैसे हैं, रिलीफ लगभग एक जैसी है, तो ऑनरेबल कोर्ट का ये मत था कि जो 1-2 मुकदमों में आपने 7/11 में आर्गूमेंट किए हैं उन्हें दूसरे जो सिमिलर मुकदमे हैं उनमें भी बहस किया जाना कंसीडर किया जाए। हम लोगों ने इस बात की कंसेंट दी, तो आज उसमें हमारी तरफ से सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से आर्गूमेंट आज हुए, इससे पहले शाही मस्जिद की तरफ से हो चुके थे। अब 12/7 जो डेट फिक्स की है, क्योंकि पार्ट हर्ड है, अभी थोड़े बहुत आर्गूमेंट होने और बाकी हैं, उस तारीख पर हमारी तरफ से फिर से आर्गूमेंट होंगे और उसके बाद दूसरा पक्ष हमारी 7/11 के खिलाफ अपने आर्गूमेंट पेश करेगा। तो 12/7 उस डेट के लिए फिक्स की गई है, आर्गूमेंट अभी 7/11 पर। उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद को लेकर भिन्न भिन्न लोगों द्वारा दाखिल किए गए मुकदमों में से एक ही प्रकृति के 10 मामलों की सुनवाई की जानी थी।